तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे स्टडी वे एजुकेशन चैनल में। आज का सेशन है हमारा, जो हमें आपको पता ही है कि अपन हिंदी स्टेनो है वो ऋषि प्रणाली के अंदर कर रहे हैं। बार बार में बताया जा रहा है कि ऋषि प्रणाली में कर रहे हैं। और आज मैंने क्या करवाने वाली हूँ आपको, यह कि आंकड़े से या यह शब्द लगा करके पूरे के पूरे अपने को शब्द बनाने हैं। मैंने पहले वाली वीडियो में बहुत सारे आंकड़े करवा दिए हैं। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ जा कर के पहले पहले वाली वीडियो देखिए, फिर आपको ये वाला सेशन भी आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने हर वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा और आपके हर कन्फ्यूज़न को दूर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको जो है यह जो है अपना, मैं यह का आंकड़ा क्लियर ही करवाऊंगी। इसमें मैं पहले जितने भी आंकड़े करवा दिए हैं वो मैं आज नहीं यूज़ करने वाली हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं यह का आंकड़ा ही करवाऊंगी। हर वीडियो के अंदर उसी आंकड़े को क्लियर करवाने का पर्पज़ ये रहता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई कुछ स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, सीधी मान लो यह वाले आंकड़े कोई देख रहे हैं, आज ये वाली वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनको नहीं पता चलता कि ये सै कैसे बन गया, सै का वृंत कैसे लगा दिया, रै का वृंत कैसे लगा दिया। तो सभी आंकड़ों को यूज करते हुए मैं किसी और वीडियो में आपको क्लियर करवा दूंगी। आज सिर्फ और सिर्फ मैं यह का ही क्लियर करवा रही हूं। यह के आंकड़े की जो है कंडीशन ये रहेगी कि यह है जो क्या है कि यह ना तो फर्स्ट पे आएगा और ना सेकंड पे आएगा। कहने का मतलब है कि अगर यह शब्द की पहले आ जाए या फिर यह शब्द के बीच में आ जाए तो यह का आंकड़ा नहीं लगेगा, यह का आंकड़ा नहीं लगेगा। यह कब लगेगा? यह क्या हो? लास्ट में हो। शब्द के क्या हो? लास्ट में हो। लास्ट में हो, लास्ट में होगा तभी यह का आंकड़ा लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अगर शब्द के शुरू में आ जाए, यह आ जाए, यह आ जाए, तो क्या है, यह को पूरा लिखना पड़ेगा। और शब्द के बीच में भी आ जाए तो भी यह को पूरा लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखते हैं देखिए। सत्य, सै, सै, तय, और ये अपना यह, इस तरह से। अगर मैं इधर से बनाऊं सै, सै, तय, और यह। मैंने सै के आंकड़े भी करवा दिए हैं, तय का भी करवा दिया, सभी आंकड़े करवा दिए हैं। तो मैं किसी और वीडियो में इससे क्या है, सारे आंकड़ों को यूज करते हुए कोई नए शब्द बनाएंगे। समय देखिए, समय को कैसे लिखोगे? सै, मैं, और ये, यह, ऐसे बन जाएगा। इधर से अगर बनाऊं सै, मैं, और यह दो तरह से बनते हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जहां मैंने यह की आउटलाइन करवाई है, तो आप पहले वो वाली वीडियो देखिए, फिर आपको आज ये यह का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। यमन देखिए, अब यह क्या है? यह शब्द के शुरू में आ गया। यह शब्द के शुरू में आ गया तो यह को क्या लिखेंगे? पूरा लिखेंगे, यह, वह, और ये अपना क्या हो जाएगा? न हो जाएगा, ठीक है। युवक, यहाँ भी यह क्या है? शुरू में है। शुरू में होने की वजह से अपने यह पूरा लिखेंगे, यह, वह, और ये कै बन जाएगा, युवक। यतन में देखिए कैसे, ये तय, और ये न हो जाएगा, यतन। ये भी यतन है और ये भी यतन है, क्योंकि तय दो तरह से लिखे जाते हैं, दोनों ही क्या है? यतन है। प्रयत्न को कैसे लिखेंगे? प्रयत्न देखिए कैसे लिखेंगे, प, र, य, त, और ये न, प्रयत्न, इस तरह से। समस्या को कैसे लिखेंगे? देखिए, स, मैं, स, और य, इस तरह से। यह छोटा सा, यह का साइन ये रहेगा, यह का साइन ये रहेगा, ये वाला, दो तरह से लिखे जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा यह बड़ा करके बना के बताऊं तो ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। आपने
अब जितना छोटा हो सके उतने छोटे इनके साइन बनाने हैं। रहस्य देखिए कैसे लिखेंगे, से और ये रहस्य। स्वयं कैसे लिखा जाएगा, से वे और ये सवे। कृत्य। कर त और ये कृत्य। कलस्य क ले से ये कलस्य। कर्मश्य। कर म से और ये और इस नय के अंदर अगर मैंने कट लगा दिया तो क्या बन गया, मैं बन गया। धर्मस्य में देखिए कैसे लिखेंगे, ध म से और ये धर्मस्य बन गया। शल्य कैसे लिखा जाएगा, स ल और ये वाला ये स ल और ये दोनों तरह से लिख सकते हैं, आपको जैसा इजी लगे आप यहाँ बना सकते हैं। नृत्य को देखो कैसे लिखेंगे, अगर मैं न के अंदर कट लगा दूँ न र त और ये नृत्य, हम में कैसे लिखूँ ह म और ये हम में, लव्य ल व न और ये, यवराज य व इसी के अंदर र और ये ज रविराज। कम्य कैसे हो जाएगा, क य मैं और ये अपना य हो जाएगा, ल य इसी में र और ये य बन जाएगा। इस तरह से थम्मल कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा थ ये मैं ये ल और ये। तो ये थे य के आंकड़े से संबंधित कुछ शब्द थे जो मैंने आपको बनवाने की कोशिश की और आपको समझाने की भी कोशिश की है। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपके हर कन्फ्यूज़न को दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप इसकी रिहर्सल करते रहिए, खुश रहिए और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस खूब सारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।